बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का मूल सनातन है और सनातन का मूल हिंदू राष्ट्र से होकर ही निकलता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री टीकमगढ़ में रामकथा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के संबंध में उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी का मूल सनातन से ही शुरू होता है और सनातन का मूल हिंदू राष्ट्र से होकर ही निकलता है। हिंदू राष्ट्र के बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया है। उस पर उन्होंने कहा कि संतों की कोई पार्टी नहीं होती है। अब किसी के आरोप प्रत्यारोप को हम रोक नहीं सकते। टीकमगढ़ में हमको बुलाने का श्रेय हमारे बहुत ही प्रिय बागेश्वर धाम पर टीकमगढ़ को एक और सौभाग्य। टीकमगढ़ के शिष्य मंडल ने बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह के भंडारे में जो अमिट सहयोग किया परसने में, वैसा सहयोग कहीं से नहीं मिला। इसके लिए पूरे टीकमगढ़ के हम आभारी हैं और राजेंद्र तिवारी जी की जो भूमिका बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को गठन करने में, टीकमगढ़ जिले को एक करने में और बागेश्वर धाम के प्रत्येक आयोजन में और टीकमगढ़ में कथा करवाने में जो भूमिका राजेंद्र तिवारी जी की है, निश्चित रूप से ये टीकमगढ़ का सौभाग्य और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।